शिमला में वन्य प्रणाली हिमाचल वन विभाग द्वारा भारत सरकार संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम विश्व बैंक वित्त पोषित सिक्योर हिमालय आजीविका संवर्धन संरक्षण सतत उपयोग एवं उच्च परिस्थिति तंत्र के पुनर्स्थापन कार्यशाला आयोजित की जा रही है। 130 करोड़ की ये परियोजना 2024 तक चलेगी, जिसमें पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की भागीदारी है। इसका कार्यक्षेत्र हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति पांगी और किन्नौर के ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं। कार्यशाला में वन मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा कि हिम तेंदुए और अन्य लुप्त प्राय प्रजातियों के संरक्षण संवर्धन के लिए बेहतर प्रबंधन को इसमें शामिल किया गया है। वन्य जीव अपराध के खतरों पर निगरानी जैसे कार्यों को भी इसमें रखा गया है। पर्यटन को बढ़ाने के लिए स्थानीय लोगों की भूमिका अहम है। लेपर्ड के संरक्षण और संवर्धन के लिए जहां जयराम ठाकुर जी की सरकार सक्रिय है और उसके साथ ही अभी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के माध्यम से और ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी के द्वारा हमको धन का प्रावधान किया गया है और इसमें विशेष तौर पर जो हमारे जो ट्रांस हिमालय के जो क्षेत्र हैं उनके लिए है। लेकिन अभी भारत में विशेष तौर पर जम्मू कश्मीर है और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड और सिक्किम, इन राज्यों में स्नो लेपर्ड के संरक्षण के लिए काम किया जा रहा है। और अभी जो हिमाचल प्रदेश हमारा, तो यहाँ पर किन्नौर जिला, लाहौल स्पीति और पांगी के क्षेत्रों में इस पर यानी कि सारी जांच इत्यादि की जा रही है। और आज यहाँ पर सिक्योर हिमालय करके यानी सिक्योर हिमालय सिक्योर लाइफ, ये हमारा मोटो, और इसके माध्यम से आज यहाँ पर एक वर्कशॉप जो रखी गई है और अब इसके पश्चात हमारा वाइल्ड लाइफ विंग अब इस पर काम करके और स्थानीय जो लोग हैं उनके साथ मिल करके इस दिशा में काम कर रहा है। 100 और 200 के आसपास लगभग इसमें इतना तो लगभग अभी तक हमारे यहाँ पर बढ़ोतरी हिमाचल में हो रही है और लगातार बढ़ता जा रहा है। देखिए, वैसे तो लोगों में जागरूकता बहुत पैदा हो गई, लोग नहीं कर रहे हैं और यदि करते हैं तो उसमें डिपार्टमेंट उसमें कार्रवाई करता है, तो इसलिए वो तो यानी कि अपराध है, तो इसलिए उसको नहीं करता। लेकिन अब लोगों को ये लगता है कि स्नो लेपर्ड के होने के कारण से उनके बाकी रोजगार के कई साधन भी खुल रहे हैं, तो इसलिए लोगों ने स्वयं उसकी प्रोटेक्शन का काम भी प्रारंभ किया है। देखिए, अभी लगभग ये कुल मिला के सारा जो प्रोजेक्ट है ये कोई 150 करोड़ के आसपास का है, लेकिन अभी प्रारंभ में कोई 21 करोड़ रुपया हमको मिलेगा और उसके बाद इसके जो है ये लगभग ये 2024 तक चलने वाला प्रोजेक्ट है, तो उसका विभिन्न और डिपार्टमेंट्स की भी जो है पार्टिसिपेशन इसमें होगी, तो इसको हम आगे बढ़ाते जाएंगे।